हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक ऑनलाइन चैनल पे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सीयूटी बेस्ड एग्जाम, जो है बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो सिलेबस है वो है जीके जीएस के बारे में हम लोग सिलेबस जानेंगे, क्या करेंगे इस क्लास में, क्या जानेंगे सिलेबस। और हमारा सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप लोग जानते हैं कि जब हमको रास्ते के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, सिलेबस है, ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस किसका है, जीके एंड जीएस का, ठीक। तो क्या इसमें है, क्या क्या है, आइए देखते हैं भाई। हमने इसके लिए पूरा पीपीटी है तैयार किया। जो सबसे पहली बातें हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस एग्ज़ाम में क्या होगा भाई, इस एग्ज़ाम में टोटल आएंगे 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, 60 क्वेश्चन, ठीक। लेकिन हमको कितना अटेम्प्ट करना है, तो हमको केवल 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है भाई, केवल और केवल 50 क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। क्या होंगे, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको क्या होंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जितने भी ऑप्शन होंगे उनमें से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक। समझ में आया। तो टोटल 60 में आउट ऑफ हमको कितना करना है भाई, ओनली एंड ओनली 50 करना है। और इस 50 के 50 टोटल क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। क्लियर है इतनी बातें। ये हमारा क्या है, एग्जाम ऐसे आएगा, ठीक। अब क्या क्या हमारा सिलेबस है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो जो हमारा सिलेबस है, देखिए भाई जीएस सेक्शन का क्या सिलेबस है, तो जो हमारा सिलेबस है वो क्या स्टार्ट होगा, इसके टोटल 10 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट है। और इन्हीं 10 पॉइंट में आपका हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जो सबसे पहली चीज है वो है हमारे महत्वपूर्ण दिन, दिवस। क्या क्या है भाई, इंपॉर्टेंट डेज। क्या हमारे इम्पॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि आपका इंटरनेशनल जितने भी डेज होते हैं, वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। जैसे आपका होता है फादर्स डे, जो नॉर्मली अक्सर नहीं आता है, लेकिन विमेंस डे आता है, नेवी डे, एयरफोर्स डे, ये सारे डेज क्या होंगे, आएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडियन हिस्ट्री। भाई इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ा है, इसमें केवल कहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल वे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जनरल वे में। जैसे इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट होते हैं, मेन हमारे 3 सब डिविजन किए जाते हैं, हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। जैसे हमारा प्राचीन काल, फिर मध्य काल, फिर क्या होगा आधुनिक, ये 3 हिस्सों में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर मतलब बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट किताबें होती हैं वो हमारे मार्केट में आती हैं, और चाहे पुरानी किताबें हों, चाहे प्राचीन काल की किताबें हों, या फिर इस समय आधुनिक काल में जो अभी फिलहाल में नई नई किताबें आई हैं, वो कौन सी किताबें हैं, उनके कौन से लेखक हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये क्या है भाई, तो कौन कौन से हमारे मूवमेंट्स हुए थे। जैसे हमारे आधुनिक काल में आपको याद होगा बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, जिसमें एक में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए, बहुत सारे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए। फिर हमारे भगत सिंह ने बहुत सारे काम किए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इसके बारे में हम लोग भी क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान से बिल्कुल सुनते चलिएगा, नेक्स्ट हमारा है अवार्ड्स एंड ऑनर। भैया कि कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं। अब ये अवार्ड्स रिसेंट से भी हो सकते हैं, 1 ईयर बैक के भी हो सकते हैं अवार्ड्स। और क्या क्या ऑनर्स हैं, ऑनर्स मतलब कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं। जैसे बहुत सारे सम्मान भी दिए जाते हैं अलग अलग संगठन के द्वारा। फिर से अवार्ड्स में देखें तो बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेते हुए चलें। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन किसी कहीं से भी आ सकता है, इस इन्हीं पोर्शन में से कहीं से भी एक क्वेश्चन उठा देगा कि मान लीजिए इस साल के पद्मश्री अवार्ड या पद्म विभूषण अवार्ड में कौन कौन लोग थे, इनमें से कौन सही है कौन गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन क्या होता है, आ सकता है, ठीक है। 5 पॉइंट्स क्लियर है। और नेक्स्ट हमारे 5 पॉइंट्स क्या है भाई, ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है, एक है जनरल पॉलिटी। क्या दिया है भाई, ध्यान से समझिएगा, जनरल पॉलिटी मतलब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में, लेकिन एक जनरल वे में, ज़्यादा उसमें हार्ड या ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। क्या क्या नॉर्मली जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं,
प्रेसिडेंट क्या क्या कैसे इलेक्शन होता है, मतलब प्रेसिडेंट का क्या आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल हैं, फिर से हमारे डीपीएसपी में क्या क्या है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज लेते हुए चलेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, पॉलिटी का सेक्शन में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट है हमारा स्टेट एंड कैपिटल। ये तो भाई बहुत ईजी टॉपिक है, सबको अपने इंडिया के कितने स्टेट हैं याद है, उनके क्या क्या कैपिटल्स हैं ये भी याद होंगे, नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसमें साथ में ही ये कवर कर लेंगे। ये दोनों टॉपिक तो हम लोग साथ में कवर कर सकते हैं, जैसे कौन से चीफ मिनिस्टर या गवर्नर है किस स्टेट के, तो ये तो काफी इजी टॉपिक से ये आप लोग न्यूज से भी पढ़ सकते हैं, डेली लाइफ से, मोबाइल पे भी इसको गूगल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको डेली यूज करके लर्न करते हुए चलेंगे कि जैसे आज इस स्टेट में क्या, कोई भी अगर मान लीजिए टॉपिक आया किसी स्टेट से, तो उसमें हम लोग पहले ये जान लेंगे कि उसके कौन गवर्नर है, कौन चीफ मिनिस्टर है, फिर उससे रिलेटेड और भी टॉपिक इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करते हुए इसको याद कर लेंगे, बिल्कुल ज्यादा इसको हैवी बर्डन लेके नहीं चलना है, इसको हम लोग क्या करेंगे लाइट वे में पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट दो टॉपिक क्या है, ये भी काफी इजी है। एक हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन से है कि कौन कौन से क्या क्या स्पोर्ट्स में नई नई चीजें आई हैं, जैसे कौन कौन से टूर्नामेंट हुए हैं, फिर या फिर कौन से खिताब किसने जीता है, कौन से अवार्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिले हैं, तो इसकी जानकारी भी हम लोग क्या करेंगे, याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइंस एंड इन्वेंशन, मतलब कि कौन नई नई खोजें की गई हैं हमारे इस न्यू वर्ल्ड में, क्या क्या खोज हुआ है, क्या क्या हमको मिला है, जैसे कौन से ऐसे नए ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जो नई खोज की खोज हुई है, उससे क्या क्या उनको अवार्ड्स मिले हैं, क्या मिले हैं, इससे जानकारी हम लोग इस टॉपिक से, साइंस से, मतलब साइंस में क्या क्या नई नई खोज, कई नई नई चीज़ें बनी है, जैसे कौन सी मिसाइल्स आई हैं इंडिया में, ब्रह्मोस मिसाइल में क्या क्या अपग्रेड किया गया है, पृथ्वी मिसाइल या और भी मिसाइल्स में कौन कौन से नए नए अपग्रेडेशन आए हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा लर्न करते हुए चलेंगे, रेंज से रिलेटेड सब कुछ। क्लियर है। तो यही 10 टॉपिक्स हमारे क्या है, मेन सिलेबस है जीके जीएस का। अब इसी को क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है, लर्न करते हुए और उसको एक ट्रिक या फिर ऐसे कह सकते हैं समझते हुए भी क्या करेंगे, याद करते हुए चलेंगे। ठीक। अब इसको मैंने थोड़ा सा आगे चल के एक ब्रॉड व्यू दिया है कि इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसा मैंने बताया था कि एंशियंट हिस्ट्री में आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यज, ये सारी चीजें कि मौर्य काल कब आया, बुद्धिज्म में कब उनकी शुरुआत हुई, कब न्यू डाला गया, जैनिज्म की कब न्यू डाली गई, तो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे कि सन से कब शुरुआत हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे कि भाई बुद्धिज्म धर्म का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ, तो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य काल की क्या क्या खासियत थी, गुप्त काल में क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है। ये बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका आप लोग नाम है बीसीए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करके चैनल है टेलीग्राम पे, इससे हम लोग इसको आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री की भी चीज़ें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे इंडियन हिस्ट्री में जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे भाई दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई हमारे भारत में, क्या कारण थे उस समय, क्या क्या कारण हुए कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, कौन उस सल्तनत में कौन कौन से वंश आए, गुलाम वंश हो गया आपका, तुगलक वंश हो गया, जितने भी वंश थे, खिलजी वंश थे, लोदी वंश थे, ये सारे वंश को टाइमलाइन के साथ एक के बाद एक क्या करेंगे पढ़ते हुए, और क्यों हुआ क्या कारण था, ये सारी चीजें हम लोग जानते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। और क्या इसमें भाई, रिलीजियस मूवमेंट, मतलब धार्मिक क्या क्रांति आई, जैसे कब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में कब धर्म का प्रचार हुआ, कौन कौन से संत महात्मा उस समय आए, सूफी संत क्या क्या थे, ये सारी जानकारी लेते हुए चलेंगे। और लास्ट में क्या है, मुगल डायनेस्टी एंड मराठास, मराठा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, कैसे उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी भारत में, और एक ऐसा समय आया कि पूरे भारत को क्या किया उन्होंने, अपने अंडर में ले लिया, लगभग मैक्सिमम हिस्सा क्या किया, अपने कवर में ले लिया, फिर से कब मुगल काल की कैसे कमजोरी हुई, क्या क्या औरंगजेब के समय हुआ, अकबर के समय क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे इस मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या आधुनिक काल में हुए, जैसे अंग्रेज कैसे आए,
कब कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक राज को हड़पा और धीरे धीरे कौन सी नीति लाए और किसके अंतर्गत उन्होंने पूरे भारत को एक ऐसा समाया कि पूरे भारत पे क्या कर लिया उन्होंने, कब्जा कर लिया। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे उनको दूर करने के लिए भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस का संगठन किया गया, गठन हुआ 1885 में, आप लोग जानते हैं। फिर से उस समय कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई अंग्रेजों और बाकी राज्यों के बीच, जैसे मराठा और अंग्रेजों को एंग्लो मराठा वार कहते हैं, या फिर आपका जो भी जितने भी बक्सर का युद्ध हो गया, इलाहाबाद की संधि हो गई, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, समझ में। तो ये सारी चीज गवर्नर जनरल भी पढ़ेंगे, क्या क्या स्ट्रगल हुए, कब बंगाल का विभाजन हुआ, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, अपने आधुनिक इतिहास के अंतर्गत। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल ईजी है। सिलेबस एकदम हम लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या हमको आगे पढ़ना है, ठीक। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई, एक हम पॉलिटी से रिलेटेड भी बता देते हैं कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है हमें। पॉलिटी में जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपने संविधान के बारे में, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, कैसे चुनाव होता है, क्या होता है, हमारे पीएम और प्रेसिडेंट का क्या कैसे चुनाव होता है, फिर क्या होता है अटर्नी जनरल हो, क्या होता है कैग, क्या होता है, फिर पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे आते हैं, फिर से हमारा फंडामेंटल राइट क्या होता है, और सारे आर्टिकल और जितने भी जानकारी है हमारे पॉलिटी में, एकदम नॉर्मल जनरल पार्ट ही हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे सिलेबस में, केवल वही पढ़ेंगे, ठीक। मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे लेकिन लर्न ज़्यादा कौन से करेंगे, जो हमारे फायदे में होंगे, ठीक। और ये जो सिलेबस है जीके जीएस का, ये आपको हर जगह फायदे करेंगे, आपके लाइफ में कभी भी आपको नुकसान नहीं कर सकते, हमेशा आपको कोई भी एग्जाम देंगे उसमें जीएस का पोर्शन होता ही है, तो ये पोर्शन क्या करेगा आपको हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है, तो ये पॉलिटी का हो गया। तो यही हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और सारे अवार्ड्स ऑनर, ये सारी चीजें, सारी जानकारी हम लोग क्या करेंगे लेंगे, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद क्या है, हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो गया, और हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं बता दूं कि आपको अगर कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी अगर लेनी है, कोई जानकारी आप समझना चाहते हैं इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो एक आपको पिन नंबर मिलेगा, कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग क्या करेंगे, उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और हमारा गुरु ऑनलाइन चैनल है, जो इसका एक ऐप है जो प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से क्या कर सकते हैं आप, जो भी अपने अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं परचेज कर सकते हैं, बैच भी परचेज कर सकते हैं, जो भी बहुत ही मिनिमम फी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक। और सबसे आखिरी बात, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको मैंने बताया नहीं, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है यूनिक बीसीए एंट्रेंस एग्जाम, क्या है भाई, बीसीए एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, ये क्या है भाई, ये हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम का ऑनलाइन, उस पर क्या करिए आप जुड़ जाइए, और क्या होगा जो भी हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड पीडीएफ, उससे रिलेटेड जानकारी क्या होगा इस ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे शेयर कर लेंगे, क्लियर है। तो इतनी सारी बातें आप लोग क्लियर है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक। अब अगली बार हम लोग क्या, अगले क्लास में हम लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने क्लास को रन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी, सिलेबस आप समझ गए होंगे, ठीक। अब बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।